तो मेरे हरामी बच्चों, कल अपने यहाँ 15 अगस्त पे अपन ने कार्यक्रम रखा है, तो सब लोग उसकी तैयारी करो। मैं आता हूँ जरा सीमा मैम से मिलकर। सर, सीमा मैम हॉल में बैठकर आइसक्रीम खा रही है इंग्लिश वाले सर के साथ। बस बहुत हुआ, आज ही इंग्लिश वाले सर को अच्छा ही सबक सिखाऊंगा मैं। बेटा गुल्लू देख, इससे बोलते सच्चा प्यार। अरे वो सब छोड़, तू ये बता तू कल स्कूल आएगा? आना पड़ेगा रे गुल्लू, मजबूरी है मेरी, नहीं आऊंगा तो मेरा लड्डू रह जाएगा। तू मता, मैं ले आऊंगा लड्डू, चिंता मत कर। अबे जाना, कोई तेरी शक्ल देख के तुझे ही दे दे लड्डू, वही बड़ी बात है। बड़ा आया मेरे लिए लड्डू लाने वाला। वो काला गेंडा कौन है? बेटे गुल्लू उलझ मत जाना उससे, कलुआ का दोस्त है पक्का वाला। लग ही रहा है कलर भी मैच होता दोनों का। मधु भाई बीड़ी पत्ती तो निकालो यार, जरा गुटका राशरी वगैरह पान मसाला कुछ। अब नहीं लाता रे बिन्नू बीड़ी पत्ती और राशरी वगैरह, सर ने देख लिया था एक बार तो मना कर दिया उन्होंने। क्या रे मोटू, तू भी सर से डर गया क्या? स्टूडेंट बनेगा तू? छी मोटू, टिफिन दिखाना तेरा, मैं भिंडी लाया हूँ तो तू भिंडी खा लेना। कैसा लीचड़ आदमी है यार, खाना मांगने चला गया मोटू से। रहने दे बिन्नू, मैं भिंडी नहीं खाता। अरे तो ठीक है ना, कालू आएगा उसके साथ खा लेना, वैसे भी तुम एक ही टिफिन में तो खाते हो। हाँ कालू, कल तूने रिया को प्रपोज किया था ना, बता क्या बोली वो? गुल्लू भाई मना कर दिया यार उसने। अरे जाने दे रे कलुआ, वो वैसे भी तेरे लायक नहीं थी, तू कहाँ काला भस्पोंदा और वो कहाँ गोरी चटाक। तो काला हुआ तो क्या हुआ, काले लोगों को प्यार करने का अधिकार नहीं है क्या? नहीं, अधिकार तो फुल है भाई तेरे को, पर तू तेरे टाइप की लड़की देखना, थोड़ी काली हो, नकचट्टी हो थोड़ी तेरे जैसी। कलुआ गुस्सा मत कर रहे, बिन्नू तो मजा कर रहा है। गुल्लू समझा इसको, इसको मेरी पहुँच नहीं मालूम, एक फोन पे इसको घर से उठवा सकता हूँ मैं। बेटा मोटू समझा ले तेरे दोस्त को, वरना स्कूल में एक कलुआ कम हो जाएगा। अरे भाई तू मेरे पास क्यों आ रहा है यार, जा लड़ाई कर, मैं तो देखने ही बैठा हूँ लड़ाई। करो दोनों लड़ाई, मार डालो एक दूसरे को। ओए गुल्लू भगा उस भाड़ू को अपनी सीट पे से, निकाल। ओए कलुआ। गुल्लू मैं तेरे को कितनी बार बोल चुका हूँ, मेरा नाम कलुआ नहीं कालीचरण है, कालीचरण बोला कर। अरे कालीचरण हो या भूरीचरण, चल निकल वहाँ से, सीट खाली कर मेरी, बैठना है मुझे। मोटू मैंने तेरे को कितनी बार बोला है, वो बिन्नू मेरा दुश्मन है, वो कुत्ते कमीने से बात मत किया कर तू। अरे भाई मैं थोड़ी कर रहा था बात, वो खुद आया मटकते मटकते, बोला मेरी भिंडी बनाइए तो तू भिंडी खा लेना, मुझे तेरा टिफिन दे दे, मैंने मना कर दिया। शाबाश, ऐसे ही करना। बच्चों अगर किसी को अपनी बोतल भरवानी है तो भरवा सकता है, मैं भर लाऊंगी। आंटी मेरी बोतल भर लाओ। हाँ लाओ बोतल दो। क्यों बे चलते फिरते आलू, मेरे कान के पास क्यों बोल रहा है, वहाँ जाके दे दे बोतल, वो भर लाएंगी। सॉरी आंटी मैं भूल गया बोतल घर पे। टुनटुन मौसी, हराम खोर तेरे को कितनी बार बोला है कि मेरे को टुनटुन मौसी मत बोला कर। देख रहे गुल्लू? नहीं नहीं देख रहे तू, मतलब भाई मैं इनको इज्जत दे रहा हूँ, मौसी बोल रहा हूँ, फिर भी इनको बुरा लग रहा है। अरे भाड़ में जाए तेरी इज्जत, एक नंबर का सुअर बच्चा, एक नंबर का सुअर। क्यों ज्यादा सी आ रही तेरे को? हाँ आ रही है, क्या कर लेगा बोल। ओहो बिन्नू से बोल रहा है तू कि क्या कर लेगा, चल आजा भीड़ ले, भीड़ ले बेटा, आज दम हो तो भीड़ ले, गुल्लू और मैं और तू अकेला, आज अगर तेरे बाप ने खिलाया हो तो आजा भीड़ ले। ठीक है तुम दोनों हो जाओ, कलुआ और मैं हो जाता हूँ, चलो आ जाओ मैदान में, देखते हैं किसमें कितनी दम है। बेटा मोटू जब दो बड़े बात कर रहे हो ना, तो तेरे जैसे बैठले को इजाजत नहीं है कि वो बीच में बोले, समझा? एक्सक्यूज मी। जी बोलो। वो क्या है ना, कल 15 अगस्त है तो उसी के प्रोग्राम के लिए मैं पैसे इकट्ठे कर रही हूँ, तो तुम कुछ देना चाहोगे? देने के लिए तो मेरे पास ये दिल है, रख लो आप। एक चप्पल दूंगी पूरा सुधर जाएगा तू। सुधरा तो मैं बचपन से हूँ, पर तुम्हारी आंखों में देखकर बिगड़ने का मन कर रहा है। अरे कोई सर को बुलाओ रे, ये भालू छेड़ रहा है मुझे। दीदी डर गई, दीदी डर गई, मैं तो मजाक कर रहा था। बिन्नू ये क्या हरकत थी? हरकत कुछ नहीं, फ्लैट कर रहा था मैं। इधर तुमको बोल के गया था कि 15 अगस्त के लिए कुछ तैयारी कर लेना, कुछ किया या नहीं? कलुआ सर कुछ पूछ रहे हैं तेरे से। उसका छोड़ तू तेरा सुना। हाँ सर मैंने याद कर लिया ना, मैंने एक गाना याद किया है 15 अगस्त को सुनाने के लिए। सुना कौन सा गाना याद किया है तूने? सर मेरे को बहुत जम के बाथरूम आ रही है, तो मैं चले जाऊंगा, वहाँ से आके सुना दूंगा, पक्का सुना दूंगा। ठीक है जा जल्दी आना। बिन्नू अपन यहाँ क्यों आए हैं? सर को गाना सुनना है, कहाँ से सुनाऊं गाना, घंटा कुछ याद नहीं किया मैंने। ले गुल्लू हराम की चिप्स खा। पर तू तो बोल रहा था तेरे पास पैसे नहीं है, फिर ये चिप्स कैसे खरीदी? किसने बोला खरीदी है, सर की टेबल पे रखी थी, आधे टाइम उठा लाया। रुक क्यों गया और खाना? रहने दे यार, दो तीन ही चिप्स बची हैं, तू खा ले, अगर नहीं खिल रही हो तो बात अलग है, बता नहीं खिल रही हो तो मैं खा लूंगा।
सही बात है भाई गुल्लू, तुम लोगों ने बाप जमाने में कुछ नहीं खाया, इसलिए भूखे भट्टों की तरह खाते हो जल्दी जल्दी। हाँ सनी भैया बोलो। बिन्नू तेरे लिए काम मिल गया है, बोल करेगा क्या? गुल्लू काम ढूंढ लिया सनी भैया ने मेरे लिए। हाँ हाँ सनी भैया बिल्कुल करूँगा, बोलो। सैलरी पूछना कितनी है? सनी भैया सैलरी कितनी है? 8,000 बोल रहा है। टाइम पूछ टाइम, कब आना है कब जाना है? मैं ये पूछ रहा था कब आना है और कब जाना है, मतलब छुट्टी कब होगी। और पूछ लंच कितने घंटे का होता है? सनी भैया लंच कितने घंटे का होता है? और पूछ पीएफ बोनस वगैरह मिलेगा या नहीं? ये ले तू बात कर। मैं क्या बात करूंगा? हाँ तो शांत बैठना, कौन सा कीड़ा काट रहा तेरे पिछवाड़े में, जब से लगा हुआ है ये पूछ वो पूछ। कहाँ जा रहा है? स्कूल में। ठीक है सुन, मेरा बैग भी ले आना, और सर पूछे ना बिन्नू कहाँ गया तो बोल देना उसका पेट खराब हो गया, लूज मोशन हो गया उससे, घर चला गया वो।